दोस्तों आज हमारा टॉपिक है एयरपोर्ट एप्रन के बारे में, इस एरिया को कैसे यूज करते हैं और इसमें किस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। तो आज स्टूडियो में इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एरोस्पेस चैनल को। चलिए देखते हैं। एयरपोर्ट एप्रन एरिया वाइड रेंज का ग्राउंड होता है, वहां पर एयरक्राफ्ट पार्किंग, लोड अनलोड और रिफिलिंग जैसा ऑपरेशंस होता है। इस एप्रन को रैंप भी कहते हैं। इस एप्रन एरिया को एप्रन कंट्रोल मैनेज करता है और पायलट्स को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। जो भी इस एप्रन एरिया को यूज करता है, जैसे कि व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और क्रू मेंबर को एप्रन ट्रैफिक कहा जाता है। इस एप्रन का मतलब भी होता है ट्रैफिक एरिया, और इसे बिजीर एयरपोर्ट पर प्रॉपरली कंट्रोलिंग एंड पोजिशनिंग करना पड़ता है। इस एप्रन एरिया में सिर्फ क्रू मेंबर को अलाउड होता है। अगर पब्लिक विजिट करना हो तो लाइसेंस की जरूरत पड़ता है, और वो भी दूर से ही देखना पड़ता है। यूजुअली एप्रन्स को टू लाइंस में डिवाइड किया है, और वो है टैक्सी वे मार्किंग्स। नाइट टाइम पे इस लाइन को विजिबल करने के लिए सेपरेट लाइट का इस्तेमाल करता है, ताकि एप्रन विजिबल हो सके। और अगर कुछ एयरपोर्ट पर मार्किंग्स और लाइटिंग्स अवेलेबल नहीं हुआ तो ग्राउंड मॉड्यूलर यानी कि मार्शल पायलट्स को प्रॉपरली गाइड करता है। मार्शल साइन और सिग्नल के साथ पायलट को इंडिकेट करता है कि एयरक्राफ्ट को किस डायरेक्शन में पार करना चाहिए। अगर एप्रन पर ट्रैफिक हुआ तो एयरक्राफ्ट को लैंड करने का परमिशन नहीं मिलता, उसे नियर बाय एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट को पार करने के बाद बीकॉन लाइट्स को ऑन करते हैं, फिर उसके बाद क्रू मेंबर्स एयरप्लेन का इंस्पेक्शन करते हैं, और उस टाइम पर कार्गो कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं और नेसेसरी मटेरियल को लोड और अनलोड करते हैं और क्लीन भी करते हैं। टैक्सी वे मार्किंग के बाद एप्रन को व्हाइट लाइन से डिवाइड करते हैं। एयरक्राफ्ट को पार करने के समय इस लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए। कुछ एयरपोर्ट पर पार्किंग करने के लिए सेपरेटली डिजाइन किया जाता है, जैसे कि टैक्सी में सेंटर लाइन को मार करता है और उसी डायरेक्शन में प्लेन को पार्क भी करते हैं। कुछ रनवे पे टैक्सी में सेंटर लाइन के साथ एरो मार्क और नंबर से डिवाइड किया जाता है, ताकि पायलट पार्किंग स्लॉट को आइडेंटिफाई कर सके। इस मार्किंग के साथ विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो पायलट को एक्यूरेटली गाइड करता है। ये विजुअल डॉकिंग गाइडेंस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो नंबर्स और लेटर्स को डिस्प्ले करता है, ताकि पायलट्स प्रॉपर स्लॉट में एयरप्लेन को पार कर सके। एप्रन में और एक स्ट्रक्चर आता है, उसे पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज कहते हैं। उसे हमेशा क्लियर रखना पड़ता है, और मेन टर्मिनल के पास ही होता है। तो दोस्तों ये था एयरपोर्ट एप्रन के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एरो सिंपलीफाइड, एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।